नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंद है और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें छन के बाहर आ रही हैं। ये सवाल मंगलवार की शाम से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है, एक चिट्ठी भी भेजी है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सरकार ने इन सभी खबरों को महज एक अफवाह बताया है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जतिन प्रसाद भी नाराज हैं, वो भी आज दिल्ली में हैं और गृह मंत्री शाह से मुलाकात उनकी हो रही है। इस समय मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ही हैं दिनेश खटीक भी, वो भी अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मंत्री दिनेश खटीक ने एक चिट्ठी भी लिखी है कि दलित होने की वजह से अफसर उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अभी तक विभाग में मुझे कोई काम नहीं दिया गया है, अभी तक विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश को माना नहीं जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही उन्हें किसी बात की कोई सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, जतिन और खटीक के इस्तीफे की खबरें यूं ही नहीं है, इसके पीछे दो वजह हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे। सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ के वो मेरठ चले आए हैं, वो मेरठ के गंगानगर में रहते हैं। लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद भी अपने ओएसडी के हटाए जाने के बाद से नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार को पूरा दिन मीडिया से बचते रहे, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। कैबिनेट बैठक के बाद भी वो पीछे के गेट से ही आए और वहीं से वो चले गए, मीडिया इंतजार करती रही। शाम होते होते जतिन भी अपने गृह जनपद शाहजहां पहुंच गए और जतिन से भी किसी की कोई बात नहीं हो पा रही है। इन दोनों मंत्रियों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ किए हुए हैं। अच्छा, इन दोनों की जो नाराजगी है उसका आधार भी है जिसकी अब चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी और कद्दावर माने जाने वाले जतिन प्रसाद को जोगी सरकार में भारी भरकम लोक निर्माण विभाग दिया गया। इनके विभाग में ट्रांसफर सेक्शन के दौरान तबादलों में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई और इसके बाद सीएम ने एक कमेटी बना करके पूरे मामले की जांच करवाई। रिपोर्ट के बाद पहली कार्रवाई उनके ओएसडी पर हुई, जिस अनिल पांडे को अपना ओएसडी बना करके जतिन दिल्ली से लखनऊ लाए थे उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। जाहिर सी बात है, नाराज होना ही था। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे जतिन काफ़ी दुखी हैं। कल कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम से मुलाकात की और अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस समय जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपने विभाग के सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बेहद खफा है। खटीक की ना तो विभाग के अधिकारी सुनते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और ना ही उनके अपने विभाग के सीनियर मंत्री। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया है। मंगलवार को यानी कि कल खटीक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए, इसके बाद अपनी सिक्योरिटी और अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ करके वो मेरठ आ जाते हैं और अपने गंगानगर के घर में मीडिया उनको तलाशती है, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। इससे पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। नाराज मंत्री ने 5 लोगों को चिट्ठी भेजी है। खटीक ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। दिनेश खटीक की अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से नहीं पट रही। करीब 10 दिन पहले दिनेश खटीक बहुत नाराज थे, तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको मनाने के लिए उनके घर भी गए थे। अच्छा, सरकार के गठन के बाद से ही सीएम योगी ने कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनसे कहा था कि सभी अपने अपने राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दें,
विभाग के काम का बंटवारा भी करें। और जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव ने सफाई दी कि उन्होंने उनकी राज्य मंत्री दिनेश खटीक से रोज बात होती है, दिनेश नाराज नहीं है और इस्तीफे के बाद के बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। 4 जून को मेरठ में एक टेंट कारोबारी और पुलिस कर्मियों के बीच में बहुत भारी विवाद हो गया था। बचाव करने के लिए गए मंत्री दिनेश खटीक की पुलिस ने सुनी नहीं। इसके बाद मंत्री ने इस्तीफा देने की बात कहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जोगी सरकार के पहले कार्यकाल में कानून मंत्री थे, अब उनके पास स्वास्थ्य विभाग मंत्री है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नाराज चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ट्रांसफर का खेल सामने आया था, ब्रजेश पाठक ने इस पर सवाल उठाए थे। ACS स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और ब्रजेश पाठक के बीच तल्खियां भी दिखाई दी, इसके बाद ही योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। तो दोस्तों ये जो बात चल रही है इस्तीफों की, और ये भी खबर आ रही है कि दोनों मंत्री इस समय दिल्ली में हैं, अपनी बात वो अमित शाह के सामने रख रहे हैं। जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक उन्होंने अपनी मुलाकात भी कर ली होगी। तो दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फिलहाल इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।